उत्तर प्रदेश में कहां सुरक्षा है? पूरे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी पार्टी में तो ये छुटपुट घटनाएं होती हैं। यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। हर धर्म में महिला शक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। महाभारत में कहा गया कि जिस कुल में नारियों की उपेक्षा के भाव से उन्हें देखा जाता है उस कुल का सर्वनाश हो जाता है। और सबने देखा महाभारत में हुआ क्या। शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है कि नारी नर की आत्मा का आधा भाग होती है और नारी के बिना नर का जीवन अधूरा होता है। अगर नारी हमारे समाज में इतनी ही पूजनीय है तो फिर उन्हें क्या कहेंगे जो उन्नाव जैसी घटना को अंजाम देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी का स्वागत करती हूं इस बड़ी बहस में। कल हैदराबाद, फिर कासगंज, फिर बक्सर और अब उन्नाव। हो क्या रहा है हमारे समाज में? कौन है जिम्मेदार? कहां है कानून का डर? क्या कर रहे हैं हमारे माननीय जिन्हें जनता ने चुना है? और इन सबसे ऊपर क्या चाहते हैं हम? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालें। पहले हैदराबाद और अब उन्नाव शर्मिंदा है। शर्मिंदा है कि एक बार फिर लड़की को जिंदा जलाया गया। शर्मिंदा है कि एक बार फिर दरिंदों ने एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज उन्नाव आंसू बहा रहा है उस शर्मसार कर देने वाले कांड पर जिसने यूपी को दहला कर रख दिया। चंद दरिंदों ने बीच सड़क पर जिस दरिंदगी को अंजाम दिया उसकी कहानी सुनने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए जनाब। तो सुनिए, उन्नाव की वो बिटिया अपने साथ हुई हैवानियत के इंसाफ के लिए अदालत जा रही थी, लेकिन अपनी हकीकत सामने आने के डर से एक दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आए दरिंदों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की पर केरोसिन डाला और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस के संज्ञान में जैसे ही घटना की जानकारी हुई, त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ छापेमारी की गई और जितने भी आरोपी थे पाँचों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो पुलिस का काम है नेताजी, पुलिस ने जो किया सो किया। सवाल आपसे है, आपने क्या किया? सवाल आपसे है, जवाब तो दीजिए। घटनाओं के विषय में समाजवादी पार्टी से ज्यादा घटनाएं किसी भी पार्टी में नहीं हुई हैं और हमारी पार्टी में तो ये छुटपुट घटनाएं होती हैं जिनको कहा जाए कि एक दूसरे के विरोध में। अरे किशोर साहब, कुछ समझ आया? आपने क्या बोल दिया? क्या निकला आपकी जुबान से? शर्म आ रही है आपको? घिन आती है इस सोच पर जिसमें एक लड़की की आबरू छीनना किसी छिटपुट घटना की तरह आपको लगता है? जागिए नेताजी, यहाँ एक लड़की को जिंदा जलाया गया है, लेकिन आपके लिए क्या? आप जैसे नेता तो सियासत जानते हैं, पक्ष हो या विपक्ष। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरह बेटी को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, ये शर्मनाक है, उत्तर प्रदेश सरकार को कलंक है। हैदराबाद से लेकर उन्नाव तक यही असली चेहरा है मोदी जी का और योगी जी का। और वो उसके साथ बलात्कार हुआ था, फिर जिंदा जला दिया गया, और ये उन्नाव की कोई पहली घटना नहीं है। तो इसलिए किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, पूरे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हैदराबाद की शर्म अभी दूर भी नहीं हुई कि उन्नाव पर कलंक लग गया। और उन्नाव ही क्यों, आगरा, मिर्जापुर, बक्सर, समस्तीपुर, चित्रकूट, यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। और संग्राम के पीछे सवाल सिर्फ एक कि देश की आधी आबादी अब खुद को महफूज समझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी।
धिक्कार है। जी हाँ, धिक्कार है ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता पर जो दरिंदे ऐसा काम करते हैं, और धिक्कार है ऐसे उस हर लोग पर जो सहयोग देते हैं, चाहे बचाते हैं उन्हें, चाहे इस तरह के कानून नहीं लाए जाते हैं या कानून है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सोचने की आज जरूरत है कि कहां कमी रह गई। अगर सब कुछ ठीक रहता तो इतनी आवाज ना उठती, ये दरिंदगी ना होती। तो कुछ R9 टीवी जो है वो सवाल उठा रहा है, रेप जैसी वारदात पर कब कड़ा कानून जो है वो बनेगा, कब तक बेतुके बयानों से बाज आ जाएंगे नेता, कहां है बेटियों की हिफाजत के जिम्मेदार, महिलाओं को लेकर कब बदलेगी लोगों की मानसिकता, महिलाओं के खिलाफ अपराधी नेताओं को टिकट क्यों दिया जाता है। जी हां, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम पार्टियों को उठाकर लेके सभी के दामन में दाग हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और आज मैं उम्मीद करूंगी कि मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, तो जो बातचीत हो वो उसी दायरे में हो। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की नेता हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, रफी अता कांग्रेस के लीडर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, काजल सिंगला जो कि एक्टिविस्ट हैं स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ी हैं, मोनिका अरोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, प्रियंवदा तोमर महिला आयोग की सदस्य इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, दीप्ति सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नम्रता नारायण सामाजिक कार्यकर्ता, और प्रियंका राणा समाजसेवी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तमाम गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रफीअता, तमाम महिलाएं हैं तो आपको मौका देती हूं। 2012 घटना सबको याद है, 16 दिसंबर अब करीब है, उसके बाद हैदराबाद, कासगंज, बक्सर, उन्नाव, कठुआ में भी हुआ था, आप कठुआ, चलिए चल नहीं, मैं भूल नहीं रही हूँ सर, अभी पूरी फहरिस्त लेके बैठूंगी तो फिर यहाँ पे चर्चा नहीं हो पाएगी, नहीं चर्चा नहीं हो पाएगी। आपकी बात मैं रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी। फर्स्ट रिएक्शन ये है, अगर ऐसे कुकर्मियों को जिंदा रहने का पहली बात तो कोई हक नहीं है। अगर वो ट्रायल के बाद भी, जैसे निर्भया केस में हुआ, ट्रायल के बाद भी आज भी 4-5 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था तो कहा था कि वो एक कातिल का जिसका हुआ कि डेथ वारंट लिखने में अभी 6-7 महीने लगेंगे, तो ऐसी प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था है होगी तो क्या कह सकते हैं। दूसरा, कठुआ में आपने देखा, एक जो ऐसा कातिल ना किसी रिलीजन का होता है ना इंसान होता है, ऐसा कातिल ऐसा कुकर्मी ना इंसान होता है और ना किसी रिलीजन का होता है। मुझे शर्म आती है और दुर्भाग्य होता है कि राजनीतिक दल एक विचारधारा के तहत जैसे कठुआ में किया, वो एक पीड़िता के लिए, एक बच्ची के लिए, 7 साल की बच्ची के लिए धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं उस बलात्कारियों को बताने के लिए, और उसमें विधायक शामिल होते हैं, उसमें विधायक शामिल होते हैं और उस विधायक को फिर मंत्री बना दिया जाता है। मौका मिलेगा, शर्मनाक बात है। मैं कहता हूँ ऐसा कातिल चाहे हिंदू हो मुसलमान, पहली बात तो वो रिलीजन का होता ही नहीं, उसको सिर्फ जो संसार करके सजाए मौत ही दी जाए, संसार करके सजाए मौत ही दी जाए। अगर वो मुसलमान नामधारी है तो सबसे पहले मैं कहता हूँ उस आदमी को सरेआम चौराहे पे जो इस्लामी शरीयत के अनुसार है संसारी करके उसे सजाए मौत दी जाए। ये पहली घटना है क्या कठुआ की सर? ये पहली घटना है जो आप जिक्र कर रहे हैं, कह रहे कानून ऐसे सख्त बनने चाहिए, ऐसा सजा, सब तो यही डिमांड कर रहे हैं, सरकार आपकी तो नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार नहीं रही है। 2012 सबको याद है कब हुआ, हुई थी घटना, कब हुई थी घटना, क्यों नहीं प्रावधान उस वक्त बनाए गए, क्यों नहीं प्रावधान उस वक्त बनाए गए कि अगर फांसी होगी, अगर फांसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या सर, सब देख रहे हैं 16 दिसंबर करीब है, रफीअता मजहबी रंग ना दे, मैं बार बार कह रही हूँ इस मैटर पर आप उलझेंगे, इस मैटर पर उलझेंगे सर तो नकाब उतार दूंगी, नकाब उतार दूंगी रफीअता, नकाब उतार दूंगी, मजहबी रंग अगर आप देंगे, मजहबी रंग ना दे मजहबी रंग ना दे, देश की आधी आबादी में मुस्लिम महिलाएं भी हैं, तो मजहबी रंग तो पहले आप देना। और नेहा शालिनी दुआ, एक मिनट, कठुआ 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 आप कह रहे हैं, कठुआ 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 आप कह रहे हैं, नहीं आपके वक्त क्या थी, आपके वक्त क्या थी, मुझे तो सोच, आप जैसे राजनेताओं की सोच, आप जैसे राजनेताओं की मानसिकता पर वाकई में रफीअता रहने दीजिए,
रहने दीजिए। विपक्ष का क्या रोल होता है ये आपको पता नहीं है? विपक्ष का क्या रोल होता है आपको पता नहीं है? महिला सांसद नहीं है क्या? महिला सांसद नहीं है क्या? महिला सांसद है या नहीं है? शीतकालीन सत्र में बॉयकॉट कर सकती थी, बॉयकॉट कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए, दामन में आपके भी दाग है। ये बताओ, कांग्रेस से 5 ऐसे सांसद हैं आपके, 5 लोकसभा में पहुंचे हैं, इनकी पृष्ठभूमि उठा के देखिए, इनकी पृष्ठभूमि 10 बीजेपी के हैं। नेहा शालिनी दूसरा जवाब देंगी, 10 बीजेपी के ऐसे सांसद हैं। टिकट क्यों देती है मैम? प्रॉब्लम यही है, महिलाओं की बात हो रही है। पुरुष प्रधान देश में पुरुष ही आज तक जज होते हैं, आज तक आयोग हो या कोई वकील हो, लॉयर्स हो, जजेस हो, प्रॉब्लम ही यही है। राजनीति में भी ऐसे लोगों को क्यों लाया जाता है मुझे समझ नहीं आता। ऐसे अपराधियों को टिकट क्यों दी जाती है? जब वो वहां तक आ जाते हैं तो वो ऐसे बिल्कुल, मैं सभी पार्टियों के लिए कहूंगी, मैं सभी पार्टियों के लिए कहूंगी, मैं इनकी तरह सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि कठुआ में ये हुआ था, मैं सिर्फ कठुआ का केस नहीं यहां रखूंगी, मैं सभी पार्टियों का केस बोल रही हूं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कठुआ का बोला, आपने कठुआ केस बोला, आप बाकी सारे केसेस क्यों नहीं बोल रहे? यहां सभी के लिए है। आपने जाके एम्फेसाइज किया, आपने एम्फेसाइज किया, वो आपकी मानसिकता दिखा रहा है कि आपको इसमें राजनीति और धर्म का रंग चढ़ाना जरूरी था ताकि यह धर्म की बात की जाए। शर्म आपको नहीं आती? लेकिन आप लोग ऐसे करते हैं, ये आप देखिए पार्टी को लेकर बहस कर रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं जाता। शर्म आनी चाहिए लोगों को, जो लड़ाई नहीं हुई और देश की दो बड़ी पार्टियां। अरे रहने दीजिए सर, बेटियों का कपले कार्ड मत खेलिए यहाँ पर। एक मिनट, नेहा शालिनी दुआ, आज मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि महिला होने के नाते, अलाउ नहीं करूंगी इस तरीके से बोलना, अलाउ नहीं करूंगी। माफ कीजिए, रफीअता आपने कह दिया और फांसी दे दी गई, ऐसे चलता है क्या देश का कानून? आपने कहा फांसी दे दी गई, देखिए यहाँ टीआरपी मत बटो, यहाँ टीआरपी मत बटो रही थी, मेरी दो बेटियां हैं, मेरा बेटा है सर, मेरा बेटा है, मुझे ज्यादा डर है कि आज अपब्रिंगिंग में उसके मैं वो वक्त दूंगी, मैं वो अपनी भावनाएं उड़ा लूंगी, मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा आगे चल के फला फला बने, और अगर वो कहीं इस तरह का कोई कांड करता है तो सबसे पहले उसकी माँ को खड़ा होना चाहिए कि मैंने इतने साल दिए। बेटियां बेटियां मत बोलिए सर यहाँ कि मेरी दो बेटियां, अगर सोचा होता ना तो आपकी भी सरकार रह चुकी है और आप उस वक्त ये कानून बनाते। आज ये इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए सर, आज मैं खुद महिला हूं और अंदर तक बिल्कुल बिल्कुल व्यथित हो चुकी हूं कि हो क्या रहा हमारे समाज में, क्यों इसको मजहबी रंग देते हैं, क्यों इसको पार्टी पॉलिटिक्स बनाते हैं। प्लीज रफीअता, आई वॉन्ट अलाउ यू। आप ऐसे इस तरीके से सबकी बात सुनिए, पहले थोड़ा सा जिगरा रखिए सर, जिगरा रखिए, ये मर्द की मानसिकता मत रखिए और ये कार्ड प्ले कीजिए कि मेरी दो बेटियां हैं, मेरा बेटा है, फिर भी मुझे चिंता है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे की वजह से कोई बेटी सेफ नहीं हो सकती है। क्या ये सब मर्द कहेंगे कि हाँ हम गारंटी लेते हैं तुम चलो रात के 3 बजे तुम सुरक्षित हो? कौन करता है रेप सर, कौन करता है? बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं सर, आप थोड़े से सेंसिटिव हो जाइए। खुद मुहिम चला रही हूं इसलिए थक चुकी हूं मैं। काजल सिंगला, एक्टिविस्ट हैं आप, महिला भी हैं, सुन रही हैं देश की दो बड़ी पार्टियां, एक फीमेल बैठी है और एक मेल बैठे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, किसी को फिक्र नहीं है कि देश की आधी आबादी क्या चाहती है। ये ऐसे लीडर जैसे ये लोग है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये जो खेल खेल रहे हैं ना, इनको ये नहीं पता कि देश किस सिचुएशन से गुजर रहा है। महिलाओं की चिंता नहीं है, इनको कथुआ दिखाई देता है और इनको उन्नाव दिखाई देता है, क्योंकि दोनों में इनको कम्युनल रंग देना है, बट इनको ये नहीं दिखता कि एक महिला पर क्या हो रहा है। आज ये पूरे देश में हो रहा है और आज इनकी सरकार बचाना है,
अपनी अपनी सरकार बचा रही है और एक दूसरे पर इल्जाम कोई सरकार बचाने का मैंने कुछ भी नहीं कहा। जिन्होंने कहा है आप उनको बोलिए, इसलिए आप बीजेपी के साइड कुछ भी नहीं बोल सकते। मैंने एज अ फीमेल यही बोला कि जो भी ऐसे करेगा उसमें तो कह रही हूं जवाब देने लगा देना चाहिए। आपको जवाब देने की पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पॉलिटिकल पार्टी खास बीजेपी का हमें कहा गोली पार्टी है। एक मिनट मैं एक बात बोलूं, यहाँ पे जितनी भी महिला है मेरा उनसे ये सवाल है, चाहे जो भी पार्टी के जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट, मैं आपको एक बात बोलूं, जो सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ ना, मैं अपनी रियल लाइफ में 2013 में 80% रेप और रेप के और अगवा हो गई थी मैं ऑलमोस्ट, और रेप से मैं 80-90% तक पहुंच कर वहां से बच के निकली हूँ। ये जो आपको अगर समझ में ना आए तो दो दिन पहले का मेरे फेसबुक लाइव उठा के देखना, वो पीड़ा आपको दिखाई देगी। आप लोग इस सिचुएशन से गुजरी नहीं है, आपको यहाँ पे आके बोलना है कि हम बेटियों के बाप है या हम बेटों के ये है या हमारे घर पे बेटी है या हमारे घर, मैं गुजरी हूँ, मैं किडनैपिंग और रेप के 80% की सिचुएशन से गुजर कर यहाँ तक पहुंची हूँ और आज इतनी हिम्मत। क्या फील करती है काजल, आप क्या फील करती है जब आपने खुद सहा है, तो आपको क्या लगता है बदलाव की कहां जरूरत है? सरकार, विपक्ष, राजनेताओं, कानून को दोष देके हम अपना दामन बचा सकते हैं क्या? क्या समाज को जागरूक होने की जरूरत नहीं है? मैं आपको एक है ना बहुत छोटा इंसिडेंट बताती हूँ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़खानी भी कर रहा है ना, तो वहां खड़े दो तीन लोग आकर है ना वो अपना मर्दानगी अपने घर में दिखाते हैं या ऐसे बाहर आके दिखाते, लेकिन उस वक्त जब बचाने जाने की जरूरत होती है कोई मर्दानगी दिखाने नहीं आता है। उस वक्त ऐसा नहीं होता कि यार ये लड़की हमारी नहीं तो किसी और के घर की तो बेटी बहू है, हम स्टैंड ले और एज अ मर्द चलिए चलिए। ये पॉइंट वैलिड है, ये पॉइंट वैलिड है, ये पॉइंट वैलिड है। और दूसरी चीज, मेरी कहीं ना कहीं मानसिकता ये है कि वाकई में कानून का रोल, सरकार का रोल, राजनेताओं का रोल तो बाद में आता है, पहले जब घटना हो रही है या इस तरह की छेड़खानी की घटना हो रही है तो वो हमारे समाज में घटती है। वहां पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी, वहां पे कोई सरकार का बंदा नुमाइंदा था कि नहीं? अरे 545 लोकसभा आधा कर लीजिए, राज्यसभा और तमाम विधानसभा को भी उठा के देख लीजिए तो कितने माननीय सांसद और विधायक है, और क्या 5-6 हजार लोग 130 करोड़ की जनता की हिफाजत के लिए उनके घर के बाहर बैठे रहेंगे? तो समाज को जागरूक होने की जरूरत है। चलिए चलिए मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाती हूँ। नम्रता नारायण, आप सामाजिक कार्यकर्ता, और प्रियंका राणा आपके पास भी आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है किन पहलुओं को आप यहाँ टटोलने की कोशिश करती है, लूपहोल्स कहाँ हैं? सिर्फ और सिर्फ ये कहना कानून सख्त बना दीजिए, निर्भया के वक्त भी ये कहा गया था सख्त से सख्त कानून बने, रक्षा मंत्री भी यही कह रहे हैं कि हम कठोर कानून बनाने को तैयार है, कानून बन जाएगा, कानून का एग्जीक्यूशन, कानून का डर होना जरूरी है, लेकिन क्या नहीं लगता कि समाज को जागरूक होने की जरूरत है, खुद में आत्मचिंतन की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं? क्या पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, मैं उन्नाव केस को लेकर ही आगे बढ़ूंगी। आप देख सकते हो कि उन्नाव केस में क्या हुआ कि जेल से निकलने के बाद उन्होंने लड़की पर अटैक कर दिया। आपने कुलदीप सिंह सेंगर का केस उठा लिए, जो किया उन्होंने उसको उसी चीज को उन्होंने कॉपी किया। तो जब आप इस तरह के हमारे जब राजनेता जब पॉलिटिशियन इस तरह का मैसेज देंगे समाज को तो ये चीजें होंगी। आप कितना भी कानून बना लीजिए लेकिन सामाजिक तौर पर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अगर वही एक साफ छवि वाले नहीं होंगे तो जनता उसको फॉलो करेगी, वो तो उसको खुलेआम करेंगे भाई नेता कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो तो नेता का पेट्रोनेट लेते हैं। तो सामाजिक तौर पर कि नेता को और हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हमारे संसद में कितनी महिला सांसद है? 78 महिला सांसद है जो संसद में बैठी है। कितनी महिला सांसदों ने आवाज उठाई कि आप जया बच्चन को छोड़कर के आप देखो तो कितनी महिलाओं ने इस मामले पे आवाज उठाई। होना चाहिए था, एक वॉकआउट तो जरूरी था, बिल्कुल होना चाहिए था। क्यों महिला सांसद जाकर के वहां पर क्यों नहीं गए? हैदराबाद कितने सांसद गए? बैठने की जरूरत पड़ती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ किस पार्टी से है, मतलब नहीं है, पहले महिला है, हम पहले महिला है। मैं अगर चैनल के जरिए पूछना चाहती हूँ कि
बिल्कुल, मैं आपके इस चैनल के जरिए पूछना चाहती हूँ कि कितनी महिला सांसद वहां पर गई, जहां करके पीड़ित जो घर वाले हैं उनसे मुलाकात की, वहां स्पॉट पे गए, बस आप गए और आपने भाषणबाजी शुरू कर दी। अरे कहीं ना कहीं आप एक औरत हो, औरत की जो दर्द है उसको समझो कि एक लड़की किस दौर से गुजरती है, उसका परिवार किस दौर से गुजरता है, आप सामाजिकता तौर पर उस तरह से लेकर के जाओ। हमें हमारे माननीयों में कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में बदलाव, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को लेकर सांसदों को साथ आने की, जब बिल्कुल सामाजिक बुराई की बात हो तो वहां हम पार्टी लाइन ना, बिल्कुल आप पार्टी क्यों देखोगे, आप हिंदू मुस्लिम पार्टी बीजेपी कांग्रेस आप कर रहे हो, आपकी भी केवल यही सोच है या आपको और भी कुछ लूपोल्स दिखते हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, शिकंजा आखिरकार कसे तो कैसे कसे। देखिए श्वेता, पहले तो मैं आप जैसी माताओं को सलाम करना चाहूंगी जो आज इस अपना बेटा होते हुए इस डर में है कि कहीं मेरा बेटा गलत ना हो जाए, क्योंकि हम लोग दूसरों पे तो क्वेश्चन उठा देते हैं, उंगलियां उठा देते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं जाते कि हम अपनी परवरिश कैसे दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो घर से ही परवरिश की जरूरत है, लड़कों को यह बताने की जरूरत है कि बाहर लड़कियों को सम्मान कैसे देना है, और अगर तुमने कुछ गलत किया तो सबसे पहले तुम्हारी माँ खड़ी होगी तुम्हारे खिलाफ। तो ये एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है, और बच्चों को मानसिकता बचपन से ही सिखाने की बहुत आवश्यकता है। अभी कानून की बात हुई, कानून ऑलरेडी इतना सख्त है, आपने पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा हो गई, बाकी भी इतने सारे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की कमी है। आप पुलिस में चले जाइए, अभी आपने हैदराबाद में देखा होगा कि लड़की ने पहले बहन को फोन किया पुलिस को करने की बजाय, और मंत्री जी कहते हैं भाई 100 नंबर पे क्यों नहीं किया, ये मंत्री जी को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं किया। देखें प्रियंका, इसका दूसरा पहलू देखें, जो मुझे जब मैंने पढ़ा इसे डिटेल में, तो कई बार गलती कह ले या मजबूरी कह ले, हम कई बार जल्दबाजी में एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू मैं डिबेट कर रही थी उस दिन भी, और दूसरा पहलू मुझे दिखाया वहीं के एक एक्टर ने, एक्ट्रेस ने जो मौजूद थी मेरे साथ डिबेट में, और उन्होंने कहा कि 100 नंबर डायल करने के बाद जो कही गई, शायद इमोशंस बहुत हाई थे और मंत्री जी ने ऐसे वक्त में कहा, तब जब हम इमोशंस हाई होते ना तो हम शायद गलत सही में फर्क नहीं कर पाते। 100 नंबर डायल कर लेते, हैदराबाद पुलिस इतनी एक्टिव है कि अगर आप 100 नंबर डायल करते हैं, 28 मिनट तक जो बातचीत आपकी बहन से हुई है उस दौरान शायद पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी आपके पास पहुंच सकती थी। लेकिन एक सवाल, वही दूसरा सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब एक बच्चा डरा होता है तो वो सबसे पहले अपने घर में फोन करता है, हम जागरूक नहीं कर पाए हैं लोगों को कि पुलिस की वो छवि हो, हम दूर रहने की कोशिश करते हैं, श्वेता पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, दोनों चलेंगी बिल्कुल, क्योंकि आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, कम्युनिटी इंटरेक्शन की जरूरत है पुलिस को, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा। आज भी आप चले जाइए पीसीआर पे कॉल कीजिए, कोई नहीं उठाता है आपका फोन। दूसरा, आप पुलिस थाने चले जाइए, उसकी बहन गई थी थाने, उसको एक थाने से दूसरे थाने से धक्के खिलाते रहे, तो किस तरह से डिले किया गया। और आप निर्भया कांड को देख लीजिए, आप फास्ट ट्रायल कोर्ट की बात करते हैं, वो फास्ट ट्रायल कोर्ट से होकर निकला है, 7 साल हो गए, 16 दिसंबर 2012 और आज 19, तो 7 साल हो गए, अभी भी जो आरोपी हैं बचे हुए हैं, तो कैसे महिलाएं आगे आएंगी और किस तरह से अपनी न्याय की गुहार लगाएंगी। बार बार निर्भया के मदर फादर कह रहे हैं कि आखिरकार क्या पिटीशन फाइल करे, क्या करे, कब मिलेगी सजा। उसके बाद निर्भया फंड भी था, मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कितना फंड यूज हुआ है महिला सुरक्षा के लिए। कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका, आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज मकसद ही ये नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसको क्या करना चाहिए था, आज उन पहलुओं को तलाशने की कोशिश की जा रही है कि ये लूपहोल्स हैं, वजह ये हो सकते हैं, तो इनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए, अगर सरकार का जहां रोल है वहां सरकार काम करे। नेहा शालिनी दुआ बैठी हैं सरकार का पक्ष भी लेने के लिए, और शायद हम कुछ पॉइंट्स ऐसे वैलिड उठाएं जो वो अपने यहां जाकर बोले, विपक्ष का जो रोल बनता है वो विपक्ष करे, समाज का जो रोल बनता है वो हम करें। मैं अगर अपने घर से ये शुरुआत कर रही हूं तो उम्मीद करूंगी कि हर मां शुरुआत करे। दीप्ति सिंह, आपको कहां लगता है कानून के तौर पर, आप एक कानूनी, आप एडवोकेट भी हैं और जानकार भी हैं, आपने ये केस भी पढ़ा होगा निर्भया का, क्या कानूनी दाव पेच आ रहा है? उपराष्ट्रपति खुद कहते हैं कि दया याचिका क्या मिलनी चाहिए, ये खुद वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि क्या दया याचिका ऐसे गुनाह में मिलना चाहिए, मतलब उनके जहन में भी ये बात है, और फिर भी हम वेट कर रहे हैं, क्या पहलू है, क्या वो कानूनी दाव पेच है जिससे अभी तक दोषी होने के बावजूद बचते आ रहे हैं।
श्वेता, हमारे यहाँ जो कानून की जो व्यवस्था है ना, मैनी फोल्ड लेयर्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, जो हमारे एपिलेंट कोर्ट्स है, और इसका जो पूरा पूरा फायदा हमारे ये अपराधी उठाते हैं। कहीं लगता है कि इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए जिसमें कि महिलाओं के साथ जैसे ही कुछ हुआ वहाँ रिपोर्ट होते ही उसके ऊपर फास्ट ट्रैक की तरह एक्शन ले और 7 डेज के अंदर अंदर इसके ऊपर अपना फाइनल इसके ऊपर किसी तरीके का कोई अपील ना हो सके का ऐसा एक ऑर्डर आना चाहिए या ऐसा जजमेंट पास होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है तो जरूर श्वेता, लेकिन दुख की बात यह है कि इतने सारे अपीलेंट कोर्ट होने की वजह से नीचे के लोगों को पता है कि 10-12 साल तो आराम नहीं मिल पा रही है, ये फांसी क्यों नहीं दी जा सकती है, ऐसा क्योंकि प्रोविजन है हमारे कानून में। इन चारों दोषियों से पूछा जा रहा है क्या वो दया याचिका के लिए आवेदन करना चाहते हैं, क्या दाव पेच है, समझना चाहूंगी दाव पेच क्यों नहीं है। जब जैसे मैंने कहा कि एपिलेंट कोर्ट्स इतने सारे लेयर्स में है हमारे पास, इनको भी पता है कि हमारे पास आखिरी में बचता है राष्ट्रपति से दया याचिका, जिसको ये कर रहे हैं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने के पास इतनी पावर दी गई कि सख्ती से कहा जाए बस अब खिलवाड़ बंद करो कानून के साथ, और जो तुमने अपराध किया है वो साबित हो चुका है, इसके लिए अब दूसरे तरीके की क्षमा याचना नहीं हो सकती। हमें कहीं ना कहीं क्या ऐसा कानून के अंदर है कि हमारे देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति माने जाते हैं और इस तरह का कोई प्रावधान किया जाए। नेहा शालिनी दुआ, आपसे पूछना चाहूंगी, हालांकि ये चीजें हट कर हैं और संविधान में नहीं है इस तरह की, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि पहली बार होता है शुरुआत कुछ, और अच्छी शुरुआत तो होनी चाहिए। राष्ट्रपति खुद कह दे कि दया याचिका इसमें लगनी ही नहीं चाहिए और अगर आएगी भी तो मैं मानूंगा नहीं। श्वेता जी, वही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हरसिमरत कौर बादल ने जो वहाँ क्वेश्चन रखा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें जितने चाहे 20 महीने की बच्ची है तो 20 महीने में उसका वर्डिक्ट आ जाना चाहिए और फांसी है जो भी उस बंदे को 20 महीने के अंदर पूरा केस खत्म हो जाना चाहिए। 20 साल की लड़की है तो भी 20 महीने, मतलब कहने का महीने जितनी एज है उतने मंथ्स में आप जो है उसका पिटीशन भी डले, सब कुछ हो, और फास्ट ट्रैक का मतलब यही होता है। लेकिन मुझे लगता है कानून मंत्री जो है, क्योंकि बहुत पहले से संविधान बना हुआ है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा संशोधन करने की जरूरत है, और आज जितनी वहां महिला सांसद हैं, और बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्हें वॉकआउट करना चाहिए था, और अगर नहीं भी किया तो भी हेमा मालिनी और हरसिमरत कौर और भी दूसरे विपक्ष पार्टियों ने भी बहुत बोला है। देखिए, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने अपनी बात नहीं रखी, बात रखना और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात रखना। जब मैं ना कहूं, मेरी ना का मतलब ना ही हो, वो हाँ ना हो, तो अगर ये 78 सांसद ये डिसाइड कर लेती कि 16 दिसंबर करीब है और इसके पहले अगर फांसी नहीं दी जाती है तो शीतकाल इन सत्र का हम बहिष्कार करते हैं, क्या हम अपने सांसदों से ये उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे लगता है महिला सांसद वॉकआउट करें, बहिष्कार करें, बना दिया जाएगा जितनी जल्दी उन लोगों को फांसी दी जाएगी, और उस फांसी का लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए ताकि देखने वाले डर जाएं और जिंदगी में कभी ऐसी हरकत करने के बारे में 100 बार पहले सोचें। जब लाइव टेलीकास्ट सब देख लेंगे ना, आप हम सब देखेंगे और वो लोग भी देखेंगे, तो उनके अंदर डर होगा, भय होगा कानून। मेरा एक सवाल है नेहा जी से, मेरा एक सवाल है नेहा जी से कि चूंकि वो बीजेपी की नुमाइंदगी कर रही है यहाँ पर, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं फिर भी क्योंकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मुझे जवाब देना है तो मैं जरूर दूंगी, लेकिन बीजेपी में मेरा स्ट्रॉन्ग यही डिसीजन है कि फांसी इससे पहले की बहुत बुरी तरह देनी चाहिए, उनके ऊपर सबसे पहले एसिड डालना चाहिए, उसके बाद उन्हें एक मिनट रफियता देखिए, सवाल पूछना चाहिए, गैर कानूनी एक मिनट रफियता, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं सर? इतना उतावलापन तो नहीं दिखता है कांग्रेस सांसदों का वहाँ पर? इतना उतावलापन आप लोग सड़क पे जाके दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपका सवाल लूंगी, मोनिका अरोड़ा से भी मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए। मोनिका अरोड़ा, आपने सबको सुना, अस्मिता को लेकर राजनीति का रंग यहाँ ना भरें, भावुक है, संदेह में है, संसात्मक हमारे अंदर जो भावनाएं आ रही हैं वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम महिलाएं हैं। किसी ने बताया हमें 90% तक वो भुगत चुकी हैं, तो सोचो उनका क्या फेज रहा होगा, जिनको जिंदा जलाया गया उनकी वेदना क्या होगी, क्या हम इंतजार करते रहें
कि हर आधे घंटे में एक रेप हो, कोई छोटी बच्ची, कोई युवती, कोई महिला इसका शिकार बनती रहे, समाज की दरिंदगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, दिन पे दिन बढ़ रही है। जहां हम प्रशासन की बात करते हैं वहां लचीलापन होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, जहां पर करप्ट लोग भरे गए हैं जिनकी एजुकेशन 10वीं 12वीं ही होगी, उनको नौकरियां मिल जाती हैं, उनकी तनख्वाहें कम है, इसलिए हमें ये करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? उन लोगों से सवाल पूछे जाए, क्योंकि एक्शन जो भी प्रशासन लेता है वो ऊपर से तो तेजी से चलकर आता है लेकिन नीचे आकर सुस्त पड़ जाता है। जहां बेटियों पर, महिलाओं पर संशय खड़ा हो गया कि घर से बाहर निकले नहीं निकले, आधा देश महिलाओं का, आधा देश पुरुषों का, हम फिर भी नहीं अपनी रक्षा कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही है? हमें करना होगा। देखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे सोशल इश्यूज जो उठते हैं उसको राजनीति का जो चश्मा होता है ना उसे उतार कर देखने की जरूरत है, और ये तमाम राजनेताओं को, मुझे लगता है तमाम माननीयों को आना चाहिए क्योंकि जनता ने चुना है। सदस्य महिला आयोग प्रियंवदा तोमर हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने काम भी किया इस मैटर पर। मैम, आप पिछली बार भी कह रही थी कि हमने बहुत अपने तरीके से, लेकिन डिफिकल्टीज क्या आई? ग्राउंड रियलिटी जानना चाहूंगी कि जब इस तरह के केसेस आते हैं, हैंडल अप करने जाते हैं, क्या कुछ पाया कि कहां कमियां हैं, कमी क्या रह गई है, कहां कहां किन पॉइंट्स को उठाने की जरूरत है? क्योंकि केवल कानून को कहेंगे या केवल सरकार को दोष देंगे तो फिर तो पूरा, जब से भारत आजाद हुआ है तब से उठा के अभी तक का इतिहास देख लो भाई, आपके दामन में इतने दाग, हमारे दामन में इतने दाग, नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो पिछले साल देखिए 2 कम हुए हैं, ये तो यही होता रह जाएगा। मिसेस तोमर जी, बहुत ही घृणित और जघन्य अपराध है, साथ ही आज का विषय बहुत ही गंभीर है जिस पर आप चर्चा कर रही हैं। श्वेता, जैसा आपने बताया कि आपका स्वयं का एक बेटा है और आप उसके लिए चिंतित हैं, आज आवश्यकता इसी जज्बे की है। हम सब महिलाओं को, चाहे वो सांसद हों या किसी भी क्षेत्र में हों, मीडिया में हों, आयोग में हों, या साधारण महिलाएं हों, एनजीओ से जुड़ी हों, हमें या होम मेकर्स हों, सबको आगे आना होगा, क्योंकि जो ये पुरुष अपराध करते हैं वो किसी न किसी के पति हैं, किसी न किसी महिला के पिता हैं, किसी न किसी महिला के भाई हैं, किसी न किसी महिला के बेटे हैं। हम ही उनको बचपन में रोपते हैं, संस्कार देते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो हम महिलाएं ही होती हैं जो स्कूल जाने से पहले भी उस बच्चे को हम सुसंस्कृत करते हैं। आपकी चिंता जो मैंने देखी तो वो बहुत जायज है। दूसरी बात आती है, जायज ही नहीं मैम, मैं जी जी बताऊं, मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आती, सही बात है। मैंने तो एक हार्ड स्टेप लेने की कोशिश की बिल्कुल, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, जैसे आप लोग भी चाहती होंगी कि कुछ कुछ तो किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं हाथ, लेकिन अपने लेवल पे जो मैं कर सकती हूँ, जो मुहिम चला सकती हूँ मैं चला रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं तो अपने बच्चे को वो संस्कार दे रही हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता 15, 16, 17, 18, 20, 22, 30, 35 अगर इस तरह का केस आए तो रोंगटे अभी भी खड़े हो बिल्कुल रोंगटे। वो जो चेहरा, वो जो मासूमियत, वो जो 9 महीने का दर्द है, और वो जो चीखे हैं, जो चीखे 2012 बस में, मुझे माफ कीजिएगा 2012 चलती बस में, सोचिए यहां बैठी सभी महिलाएं, सभी पैनलिस्ट सोचिए कि जब चीखी होगी निर्भया, जब चीखी होगी हैदराबाद की लड़की, चीखी होगी कासगंज, कठुआ सभी की लड़की, तो दर्द उसके अंदर कितना होगा, आवाज कितनी ऊंची उठाई होगी उसने, लेकिन सिर्फ इग्नोरेंस, सिर्फ इग्नोरेंस, शायद कहीं कुछ लड़ाई कर रहे होंगे, ये इग्नोरेंस था कि एक लड़की जल गई, ये इग्नोरेंस था कि 5 साल 7 साल जो कहते हैं कि छोटे कपड़े दोषी हैं, मैं पूछती हूं 5 साल की लड़की, ऐसा क्या आपके अंदर, ऐसा कौन सा आकर्षण पैदा करती है, सोच है आपकी, मानसिकता है, डूब मरे आप, डूब मरे, देश की आधी आबादी खड़ी नहीं हो पाती है, डूब मरे आप, देश की आधी आबादी अपनी आवाज नहीं उठा पाती है, तो डूब मरना चाहिए हमें। हम नहीं होते हैं लड़कों पर उंगली उठाने वाले, हमें जरूरत है आज अपने लड़कों को सुधारने की, और लड़कों को सुधारने की बात नहीं होती है, लड़कियां कंट्रोल में रखो, कपड़े क्यों ऐसे पहने, सिगरेट क्यों पिया, शराब क्यों पिया, सिगरेट और शराब से अगर ये होने लगता ना तो तमाम राजनेताएं भी जो है ना वो जब चलती, अगर इसे मैं कहती हूं, मैं गारंटेड कहती हूं कि उतार दीजिए किसी को इस तरह छोटे कपड़े में रात के 12 बजे भी, और कोई हिम्मत नहीं करेगा उन्हें टच करने की,
क्योंकि उसे पता है कि परिणाम क्या, कानून में प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है आपको मैं बताऊं, हमारा दर्द एज ए लॉयर हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है एक रेपिस्ट को सजा तक पहुंचाने में, उसके लिए एविडेंस खड़ा करने में, लेकिन हमारा वो बंदा जिसको कि हमने वहां तक पहुंचाया, यहां तक कि फांसी की सजा तक हमने दिलवा दी, उसको पता है कि हम अपील करेंगे और वो ठेंगा दिखाते हुए आगे बढ़ जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है उनको ये कहना चाहूंगी, एक मिनट, मैं उनको जरूर कहना चाहूंगी कि इतने सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं हमारे आईपीसी सीआरपीसी में, कई ऐसे सेक्शंस को चेंज किया गया, विड्रॉन किया गया, क्या एक ऐसा प्रावधान नहीं लाया जा सकता कि जो पीड़िता है जिसके कंप्लेन के ऊपर एक लॉयर एक पूरी फैमिली मिलकर उसको एविडेंस और ये सारे लेवल से गुजरने के बाद जब अपराध की सजा सुनाई जाती है, दैट शुड बी फाइनल, अपील करने की शक्ति खत्म कर दी जानी चाहिए। क्यों नहीं 12 बजे लड़की हमारे छोटे कपड़े में बाहर जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? आप चले जाइए दुबई में, वहां पर लड़कियां 12 क्या 1 बजे रात को भी आधे कपड़े में नजर आती है, क्योंकि वहां का कानून सख्त है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाना ही चाहिए, देखिए मुझे इस पर क्या आपत्ति है, अगर जाए तो सुरक्षित क्यों नहीं है, कि अगर महिला सांसदों को उतार दिया जाए उस तरीके से ना, तो परिणाम पता है। मैं आज नाम नहीं लूंगी, टच नहीं करेगा, मैं स्क्रीन पर आप नाम नहीं लूंगी, 4 साल 3 साल की बच्ची कौन सा आपको आकर्षण करती है, कौन सा करती है नम्रता? तो मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, एक महिला राजनेता है जिन्होंने मुझसे कहा कि नोएडा में मुझे रात के 10 बजे डर लगता है, नोएडा में मुझे रात के 10 बजे डर लगता है, मैं खुद डर लगती है, मुझे खुद डर लगता है ट्रैवल करते हुए, मैं खुद राजनेता होने के बाद एमएलए होने के बाद ये बात कर रही थी कि रात में मुझे नोएडा में आने में डर लग रहा था इसीलिए मैं नहीं आ सकी। तो आप सोच सकते हो जब एक राजनेता डरती है तो आम लड़की क्या सोचेगी, जबकि उसके साथ चार चलते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं कमी है, ये देश की आधी आबादी की जरूरत हो जाती है, हम कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे? 5 से 6 हजार कुल मिला के जोड़ लीजिए विधानसभा और ये लोकसभा और राज्यसभा, 5 से 6 हजार ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के समर्थक मिला लीजिए, 10 हजार हो जाएंगे, 20 हजार हो जाएंगे, अरे ये हमें सिक्योरिटी देंगे? देश की आधी आबादी हम हैं, हम अगर खुद खड़े हो जाएं, श्वेता जी अभी है ना, अभी जब एसपीजी सिक्योरिटी हटाने की बात आएगी नेता लोगों की, तो इन सब ने वॉकआउट कर लिया, पर आज जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो कोई सदन से वॉकआउट सिक्योरिटी आप नहीं हटाते इन लोगों को, ये दर्द समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जायज सवाल रमियता, एसपीजी पे इतना ड्रामा, एक परिवार को सिक्योरिटी नहीं बदली गई थी केवल, तो इतना ड्रामा, हमारी सिक्योरिटी को मिल ही रही थी, लेकिन हमारी सिक्योरिटी में क्यों मिलन का वाटा है? एक भी पूछना चाहता हूं, जो 370 में आधी रात को, अरे तो आपने कौन सा, आपके महिला सांसदों ने कौन सा वहाँ भोपू लेके, कौन सा भोपू लेके प्याज की माला पहन के बैठ जाते हैं सर, 100 रुपए किलो माला, और अस्मत का भाव क्या लगाएंगे रफिया था, अस्मत का भाव क्या लगाते हैं, अस्मत का भाव क्या लगाते हैं, 100 किलो रुपए प्याज मिल रहा है तो माला पहन के बैठ जा रहे हैं और अस्मत का भाव क्या लगाएंगे? क्यों नहीं महिला सांसदों को बोला, क्यों नहीं आवाज पहुंचाई कि वॉकआउट करो? भाजपा की सरकार है और अगर कुछ नहीं बना पा रही है तो हम चौकीदार का काम कर रहे हैं, विपक्ष का रोल यही होता है, ये आपने क्यों नहीं कहा, क्यों महिला सांसद सामने नहीं आए? आप सरकार से पूछने उसका जवाब नेहा जी देंगी, उसका जवाब नेहा जी देंगी, एसपीजी सुरक्षा पर हाय तौबा मचा दिया, एसपीजी जो हाय तौबा, और हमारी सुरक्षा अरे सर, जिस दिन जनता आंदोलित हो गई थर थर कांपेंगे आप, जनता आंदोलित हो गई उस दिन का इंतजार कीजिए सर, उस दिन का नेहा चालू हुआ, देख रही है सुन रही है, और जैसे ही 170 में किए ऐसे ही बहुत जल्दी आप देखिए, आप बहुत जल्दी देखेंगे कानून भी आएगा, फांसी भी इसी फांसी भी इसी सरकार ने दी है, फांसी आपकी सरकार ने नहीं दी, फांसी भी इसी सरकार में आई है, चाली दुआ क्या हम मुझे सरकार किसी की क्या हम उम्मीद करें, क्या हम उम्मीद करें बीजेपी की महिला सांसद हमारे साथ है, बीजेपी की विधायक हमारे साथ है, विपक्ष और मुद्दों में उलझाई रखते सरकार को, प्याज जैसे अभी तुके मुद्दों में,
शालिनी दुआ क्या कह रही हैं इस चिल्ला चोट में ना इतनी आवाज तो बुलंद हो गई होती सर तो बैठ के ये डिस्कशन ही नहीं हो रहा होता। लेकिन नेहा शालिनी दुआ कह रही है 15 दिन के अंदर सरकार जो है सख्त से सख्त कानून ला रही है, विपक्ष उस वक्त ड्रामा करेगा। आप दोनों यही बैठे हैं अपने अपने हेडक्वार्टर में जाके कहेंगे कि आज सब महिलाओं का दर्द उफन रहा था, सब पूछ रही थी हमारी सांसद कहाँ है, 78 सांसद है। एक मिनट मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। 78 सांसद एक अनु दुबे से क्या हमें हक नहीं कि एक मासूम सी लड़की, शायद उसे पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं, बस वो व्यथित थी, वो तख्ती लेके बैठी थी, कुछ नहीं कह रही थी, ना नारेबाजी, ना जिंदाबाद, ना मुर्दाबाद, वो बैठी थी। पुलिस पहुंचती है हटाने के, रिटर्न लिखवाए जाते हैं, अरे एक सांसद को ये खबर नहीं पहुंची? क्या पुलिस कर्मियों को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए था कि बात अंदर तक पहुंचा देते? क्या ये बात, शीतकालीन सत्र चल रहा है, किसके लिए विधेयक लाए जा रहे हैं? हम लोगों के लिए, हमारे लिए? एक लड़की बैठी है व्यथित है कि मैं अपने देश में सुरक्षित नहीं, एक महिला सांसद नहीं आई उनसे मिलने के लिए, एक महिला सांसद? विडंबना नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण। ये दिखाता है कि कोई भी, ये दिखाता है इनसेंसिटिव, ये इनसेंसिटिव दिखाता है कि आप कितने इनसेंसिटिव हैं। श्वेता जी एक ही बात कहूंगी, कानून बनाया जाए और एक सख्त से सख्त उसको इम्प्लीमेंट भी कराया जाए, ये सभी महिला सांसद करें, सिर्फ कोई नहीं करेगा। इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? बिल्कुल लचीलापन, आम लोगों की आंदोलन, समाज सेवी, हमें सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की नहीं है, समाज के लोग उस वक्त जो होते हैं उनकी भी जिम्मेवारी। सरकार कहाँ कहाँ डंडा, काजल सिंगला, लेकिन मैं यही कहूंगी, प्लीज आप सब चुप हो जाइए, मैं इतनी लाउड नहीं बोल पाती हूँ, आवाज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, हम सभी समाज के सभ्य लोग हैं, प्लीज ओवरलैप मत करिए। मैं यही कहूंगी कि मरा हुआ सिस्टम और सोई हुई कौम, बताओ निर्भया तुम्हें बचाएगा कौन? वी नो द प्रॉब्लम, लेट्स टॉक ऑन सॉल्यूशन। एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ने से बेहतर है कि समाज को दो तरह का रिफॉर्म्स चाहिए, एक सोशल रिफॉर्म्स और एक लॉ रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स घर से शुरू होगा, जहां बेटियों को रोके टोके नहीं, अपने बेटों को संस्कार दो, क्योंकि बलात्कार लड़कियां नहीं करती, बलात्कार ये लड़के करते हैं। और लॉ रिफॉर्म्स में जरूरत है कि पुलिस के पास में कोई भी लड़की पहुंचे, चाहे गुजरात में मैं रहने वाली महाराष्ट्र में जा रही हूँ और मेरे साथ कुछ होता है और मैं कंप्लेन लेने लिखवाने जा रही हूँ, उसी वक्त
वो कंप्लेन लेनी चाहिए और बाद में आप अपना इंडिविजुअल प्रोसेस करिए। और एक बात, जब ये पैसे वाले इंसान के लड़के गलत काम करते हैं और एक दूसरे को पैसे खिलाने की बात करते हैं, पैसे पूरे नेक्सस नीचे क्लर्क से लेकर कमिश्नर तक पैसा जाता है और मामला दबा दिया जाता है। ये सारे नेता के नेता पैसे खाते हैं और ये उसी सब्जेक्ट पे बोलते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका जैसे नेता लोग तभी कैंडल मार्च लेके निकलते हैं जब आशिफा होती है, लेकिन जब कोई गीता होती है, जब कोई निर्भया होती है, जब कोई दिशा होती है, कोई नेता नहीं निकलता। इनको पॉलिटिक्स करनी है, अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है, इनको वोटों का ध्रुवीकरण करना है, इनको सिर्फ यही आता है। लेकिन एक महिला का नाम ये लोग समझ नहीं पाते, वो इसलिए क्योंकि इनके घर की बहन बेटियों के साथ शायद आपने बहुत करीब से देखा है और आपने महसूस किया है, इसलिए प्रियंका और नम्रता आप दोनों से जी सुना कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ नहीं होगा, सुना किसी वकील की बेटी के साथ बलात्कार हुआ नहीं हुआ, इसलिए ये वकील ऐसे बलात्कारियों को मैं काजल जी से बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए ये 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 गुस्सा, ये गुस्सा आपका जायज है, ये गुस्सा जायज है, पॉइंट वैलिड है, और पॉइंट अगर वैलिड है तो अब बदलाव की जरूरत है। अब देखिए, अब हमें पता है कि करना क्या है और करना किसे है ये भी पता है। नम्रता छोटा जी बिल्कुल, इस मौके पे जब स्मृति रानी के उनकी कंस्टिट्यूएंसी में उनके किसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है तो पूरे देश का वो एक सिंपैथी बटोरने के लिए एक अर्थी को कंधे देती है। क्या एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, वो वहां नहीं पहुंच सकती थी? एक सवाल, अगर वो वहां पहुंचती तो शायद 500 मर्दों के जो इस तरह से देखिए यही होता है, कम्युनिकेशन गैप यही होता है। आप अगर यहाँ पे होती तो नम्रता यही ऐड कर रही हैं कि महिला सांसद होने के नाते स्मृति ईरानी जितनी एक्टिव मानी जाती हैं या जिस तरीके से प्रियंका गांधी ट्विटर पे ट्वीट करती हैं और उन्नाव केस में उन्होंने तुरंत कह दिया कि अमित शाह और ये झूठे हैं, कानून व्यवस्था यूपी की क्या है, तो मऊ और टोंक के बारे में क्यों नहीं कहा? अगर कहना, देखिए हमें समझना होगा, हमें परिस्थिति समझनी होगी कि विडंबना क्या है। महिला ही महिला के खिलाफ खड़ी है और यहाँ बात क्या हो रहा है, मजहबी रंग दे दिया जा रहा है और बेवकूफ कौन बन रहा है, वही महिला। तो अरे भाई, कब तक अपनी कोख को आप खुद शर्मसार कर रहे हो एक दूसरे पर आरोप लगा के। कौन से पार्टी के आप कौन से लीडर हैं, जन्मी कहां से है? आपने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़का हो चाहे लड़की, लड़की है तो रेप हो सकता है, लड़का है तो रेप कर सकता है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा फंडा है। समाज को जागना होगा, हम चुनकर लाए हैं इन नेताओं को, हम वोट ही नहीं देंगे। आप टिकट देते रहो, हम नोटा का बटन दबाएंगे, नहीं हिम्मत होगी देने की, लेकिन यही जनता चुनकर भेजती है, तभी हिम्मत बढ़ती है इन नेताओं की हमारे ऊपर राज करने की, कानून को तोड़ मरोड़ लो। और तब भी देखिए, यहां बैठ के विडंबना देखिए कि एक दूसरे पर छीछा लेदर कर रहे हैं। आपका दर्द मैं बिल्कुल समझती हूं, क्या महसूस हुआ होगा वो समझती हूँ, लेकिन बदलाव पॉइंट वैलिड। किसी की बेटी, किसी की भी बेटी बेटी है, हमें ऐसे नहीं बात करना चाहिए। हम इस पैनल पे बैठ के एक संदेश ये दे रहे हैं कि किसी बड़े नेता की बेटी को लेकर आओ, उसका रेप करो, और नहीं ऐसे नहीं बोलना है। हमें ये देखना चाहिए, शिक्षित करिए, एक मिनट, कुछ वैलिड पॉइंट जो आपने उठाए थे मोनिका अरोड़ा, कुछ वैलिड पॉइंट मुझे जो लगा कि उन्होंने उठाए थे, कानून के स्तर पर काम होने की जरूरत है। लॉ अगर है तो जैसा बार बार कह रही है कि लॉ इन्फोर्समेंट में जो कमी आ रही है, कानून बहुत सारे हैं, स्ट्रिक्टनेस की कमी है, विल पावर की कमी है, पुलिस अगर है तो वो उस तरह से संवेदनशील नहीं है, वो कह रही है लड़की कहीं चली गई होगी, तो यहाँ पुलिस प्रशासन को दिखाने की। एक मिनट काजल जी, एक मिनट, अब वक्त की कमी है। तो कुछ वैलिड पॉइंट जो उठा रही है, सरकार जो है सत्ता में जो है तो सत्तारूढ़ पार्टी से ज्यादा सवाल होंगे, तो वहां एक मिनट, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठता है संसद में, और संसद वो
जगह जहां से हमारे लिए ही 130 करोड़ की जनता के लिए कानून बनेगा, तो क्या वहां पहुंची महिला सांसद हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करती? किसी ने भी चुना हो, जनता ने ही चुना है ना, पक्ष में या विपक्ष में, तो उन सबको सबकी जरूरत है। आप मुझे ये बताइए मोनिका अरोड़ा जी कि फिर भी कमी आ जा रही है, तो क्यों कमी आ जा रही है, कहां कहां चूक रह रही है? सब कुछ हमें पता है कहां सुधार की जरूरत है, फिर भी कमी। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लेकर आ रहे हैं बीच में अपनी डिबेट के राजनीति के रंगों को नहीं भरना चाहिए। हम सब महिलाएं हैं, आप पुरुष हैं, आपकी भी कोई माँ पत्नी बेटी घर पर है, आप हम सबकी भावनाओं को समझें। चूक कहाँ हो रही है, मैं बार बार कह रही हूँ, राजनीति के रंग मत भरिए, मत लाइए किसी असीफा को बीच में, मत लाइए किसी हिंदू बेटी निर्भया को बीच में, जानिए उसका दर्द कि वो एक महिला है, वो एक लड़की है, एक छह साल की बेटी को गला घोट के मार दिया गया, स्कूल जाने वाली बच्ची को आंखें तक बाहर आ गई, निर्भया के लोथड़े तक नोच लिए गए थे, कितना सहेंगे, जिंदा जला दिया गया एसिड बन के, कितनी महिलाओं का केस हमारे सामने है, क्या कर पा रहे हैं, इस पर जाना है, आखिरी में आऊंगी बोलने के लिए खड़ी है, क्योंकि हमें भी सुन रहा है, एक मिनट रफियता, फिर से आप चालू हो गए, मोनिका जी ऐसे कंटिन्यू बोलते, आपने पॉइंट्स रख दिए, मैं आप कंक्लूजन पे पहुंच रही हूँ, वक्त की मेरे पास कमी है। प्रियंवदा जी, महिला आयोग की स्थापना ही इसके पीछे का मकसद ही यही था, महिला एवं बाल विकास क्यों है, क्यों कहते हैं? तो महिला आयोग के तौर पर आपने जब काम किया, आपको क्या लगता है किस तरीके से काम दोनों तरफ होना चाहिए, क्योंकि आपने समाज का ये पक्ष भी देखा जहां ग्राउंड लेवल पर आप जाके काम करती हैं, उन चीजों से गुजरती हैं, कुछ पॉइंट्स दीजिए, पॉजिटिव पॉइंट्स, जो यहां बैठी नेहा शालिनी दुआ भी नोट करें और रफियता भी नोट करें, और दोनों अपने अपने हेडक्वार्टर्स में जाके बोले कि भाई ये पॉइंट है और ये वैलिड पॉइंट है, इस पर होना चाहिए। नेहा जी का भी गुस्सा जागे कि हाँ मैं महिला हूं, मैं भले प्रवक्ता हूं, बीजेपी का पार्ट रखती हूं, लेकिन पहले मैं महिला हूं और ये पॉइंट्स वैलिड हैं और इस पर बात चर्चा होनी चाहिए, और रवि अता रखे कि मैं दो बच्चियों का बाप हूं तो ये वैलिड पॉइंट है और ये होने चाहिए। प्रियंवदा जी अभी जैसा काजल ने बताया कि सोशल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स होने चाहिए, दूसरी बात है कि ये इसमें थोड़ी पॉलिटिकल विल पावर की भी आवश्यकता है, बहुत संवेदनशील होना पड़ेगा हर मुद्दे पर, भ्रष्ट तंत्र को समाप्त होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि न्याय की बात करी दीप्ति सिंह ने, तो जब न्याय प्रक्रिया कितनी बार बहुत डिले हो जाती है, जो विवेचना अधिकारी हैं समय से वो विवेचना नहीं करते, जब वहाँ तक अभी ये जो लड़के थे दोनों छोड़े गए, तो इनका फ़ोन सर्विलेंस पे लगाना चाहिए था, कितनी कैसी प्रकृति थी उसकी, वो बाहर आया उस समय थोड़ा और सजग रहने की आवश्यकता थी। मेरा तो सवाल ये लगता है कि किसने से जमानत दिलवाई? जी दी नहीं, दिलवाई, देखिए मेरा सवाल ही अलग है, शायद मेरी सोच ही ऐसी होती जा रही है, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी भरती जा रही है कि मैं सोचती हूँ कि जमानत किसने दिलवाई, परिवार वालों ने अरे मैम सख्ती की इतनी जरूरत है कि मेरे पास प्रियंका राणा और नम्रता नारायण, क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? मुझे ऐसा लगता है कि आज समाज को, महिलाओं को, हर वर्ग की महिलाओं को, किसी भी बड़े पोस्ट पे हो, छोटे पोस्ट पे हो, आम महिला हो, घर में वो अपने गृहिणी अपने आप को समझती हो, उन्हें बाहर आके ये कहने की जरूरत है कि भाई बस, अब अगर एक रेप की वारदात मेरे खानदान में मैंने सुन ली तो FIR तो पहले मैं दर्ज कराऊंगी और तब तक आंदोलन पे बैठूंगी जब तक उसे सजा ना हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अगर महिलाएं खड़ी हो जाएं, भारतीयों को बाहर आना चाहिए, 132 करोड़ भारतीयों को बाहर आना चाहिए। नम्रता जी बिल्कुल, महिलाओं को खास करके माँ, एक माँ अपनी कह दे कि मेरा बच्चा रेप नहीं करेगा, मेरा बच्चा अगर ऐसा करता है तो मैं बच्चे का गला काट दूंगी, वो सरेआम काट के तो दिखाए, एक माँ ऐसी कदम उठा दे, देखिए क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सामाजिक तौर पे कई बंधनों में फंसे हैं और जब तक हम सामाजिक तौर से आगे नहीं बढ़ेंगे, गलत करेगा, देखिए हमारा जो सिस्टम है, बेटा क्यों गलत करेगा, बेटा क्यों गलत करेगा, यहाँ पिता ही गलत करता है, बिल्कुल अगर पिता करता है, बेटा करता है, या कोई भी परिवार से नहीं, हम महिलाएं जो महिलाएं हैं वो सामने
खड़ी हो जाएं कि सजा दिलवाने वाला परिवार ही होगा। लेकिन ये भी होना चाहिए, होना चाहिए। भगत सिंह काजल सिंगला माफ कीजिएगा, काजल सिंगला छोटा सा क्या होना चाहिए? मैंने अभी बातें कही, आप सपोर्ट करती हैं कि क्या आप सपोर्ट करती हैं? मैं यही कहूंगी कि एक साधारण वकील से लेकर प्रधानमंत्री तक, एक कोर्ट के जज से लेकर उस वकील से लेकर उस परिवार वाले तक, ये सब जिस दिन ये सोचेंगे कि अगर ये हादसा हमारी बेटी के साथ होता तो हम क्या करते, क्योंकि आप वकील भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की हैं, तो मैं वकील के नाते भी और ऐसे महिला होने के नाते भी जिस तरीके का ड्रामा हमने दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच में देखा था, आज तो महिलाएं रो रही हैं। मैम सभी महिला जजों को, महिलाओं को क्या बाहर नहीं आ जाना चाहिए कि नहीं हमें इसका ये कानून की जरूरत नहीं, फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो, हम नहीं लड़ेंगे, हम रेप केसेस नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लिखेंगे कोई भी ऐसा जजमेंट। क्या नहीं आना चाहिए? हम बाउंड नहीं हो सकते? जो हमारा दिल गवारा नहीं करता है वो सिर्फ कानून के दम पर छुड़ा कर ले जाते हैं। हम ये जमानत नहीं देंगे कि वो निकले और बाहर लड़की को जला दे। क्या आपको सामने नहीं आना चाहिए? श्वेता, जो जमानती हैं, अभी तो सबसे पहले उनको वापस उठा के उनको जेल में डालिए और उनके ऊपर सख्त कदम उठाइए। अपने आप लोग जो जमानत लेते हैं ना ऐसे ऐसे रेपिस्ट का, वो भी बनता है। मैं तो कहूंगी मैम रोल महिलाओं का जरूर बनता है। एप्लीकेशन फाइल की, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए? क्यों नहीं हो जाए? ऐसे जो लॉयर इस तरह के केस की तरफदारी करते हैं उनको यही बात तो मैं कह रही हूं। रफियता, कानून की जिम्मेदारी, कानून बनाने की जिम्मेदारी तो सरकारी सरकार के ऊपर है, लेकिन एक मिनट कानून बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार के ऊपर है। रफियता क्या उम्मीद करूं, कांग्रेस पार्टी की तमाम महिला विधायक, महिला सांसद, महिला कार्यकर्ता, तमाम जो महिलाएं हैं वो देश की महिला के साथ होंगी, प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर शीतकालीन सत्र में ऐसे नियम कानून पास हो, निर्भया के दोषियों को 16 दिसंबर के पहले सजा मिले? बिल्कुल, यूनानिमसली पास होना चाहिए। सरकार बिल लाने की इच्छा शक्ति तो पैदा करे। चलिए नेहा शालिनी दुआ, लास्ट कमेंट। और सारी जजेस, और मैं कहती हूँ हर फील्ड की महिला आयोग की महिलाएं और मीडिया की महिलाएं किसी भी ऑफिसेज जहां जहां अच्छे पदों पे हैं वो अपने पद का, अपनी कुर्सी का कुछ तो दिखाएं कि उनका भी रसूख है। तो सभी उठें और आवाज उठाएं, पुलिस ऑफिसर्स जो हाई रैंक पे हैं आवाज उठाएं एक होके, और ये जल्द से जल्द बिल पास होगा और दोषियों को सजा, फांसी सरेआम होगी, लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। उम्मीद करती हूं, मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आज पक्ष और विपक्ष जब दोनों साथ बैठे थे और रफियता भी उसी सुर में कह रहे हैं कि बिल्कुल कानून बनना चाहिए, आप भी कह रही हैं, तो अब संसद में ड्रामा देख ले कि शीतकालीन का सत्र खत्म होते होते क्या कानून में बदलाव आता है। 16 दिसंबर 2012 घटना हुई थी और 7 साल होने जा रहे, क्या 16 दिसंबर के पहले या 16 दिसंबर को ही इन दोषियों को सजा दी जाती है? एक देश को मैसेज देने के लिए इमोशन इस वक्त भी हाई है। प्रधान सेवक जी कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। सुन लिया बहुत धैर्य से मन की बात, बहुत सुना मन की बात। एक मिनट बस आप बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया मन की बात, बहुत धैर्य दिखा लिया, बहुत ऐसे मीडिया काम कर लिया। अब हमारी देश की महिलाओं की आवाज सुनने की जरूरत है। कभी तो बोलिए प्रधान सेवक जी, कभी तो कहिए हम महिलाओं के बारे में भी। क्या नींद आती है आपको? आ जाती है? सभी महिला सांसदों से पूछती हूँ, सभी वहां माननीयों से पूछती हूँ, रात में कैसे सोते हैं? दवा लेनी पड़ती होगी, जरूर पड़ती होगी, नहीं तो चीख सुनाई देती आपको। मेरे कानों में रोज चीख आती है, रोज एक दो कैसे बच जाते हैं, बच्चे की तरफ देखती हूँ, सोचती हूँ बड़ा होगा, भगवान ना करे, भगवान ना करे, और उसे पुचकारती हूं, उसे रोज बताती हूं बेटा तू बहुत अच्छा बेटा है, तू मां का बेटा है। पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाती हूं कि शायद मां का कथन उसे याद रह जाए। दिल वाकई में फिर से व्यथित है, बहुत व्यथित है, नहीं रोना चाहती हूं। कमजोर नहीं हूं मैं, नारी हूं, जन्म दे सकती हूं तो संहार भी कर सकती हूं। पॉजिटिव नोट के साथ एंड करती हूं, तो पॉजिटिव नोट यही है कि देश की महिलाएं जाग जाए, वरना किसके सामने हाथ गिड़गिड़ाएंगे, किसके सामने? कौन है आप, क्या है, ये मत सोचिए।
भारत सरकार की छवि विदेशों में नहीं बताती है भारतीय कैसे, हमारी छवि बताती है, हम भारतीयों की छवि बताती है कि हम भारतीय हैं। गर्व से कहिए भारतीय हैं, गर्व से कहिए महिलाएं, निकलिए बाहर और बताइए इनको हमारा हक है, सुरक्षा लेकर रहेंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ समाज को बदलिए, पहले खुद आगे आइए और तमाम इन पार्टी लाइनों से ऊपर उठिए। कहां है क्या है पता नहीं, लेकिन खड़े जरूर होइए, आवाज जरूर उठाइए, जैसे भी उठाइए लेकिन जरूर उठाइए। इसी पॉजिटिव नोट के साथ समाज बदलेगा, हम ही बदलेंगे, हम सोच बदलेंगे, समाज बदलेगा। नमस्कार, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उत्तर प्रदेश में कहां सुरक्षा है, पूरे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारी पार्टी में तो ये छुटपुट घटनाएं होती हैं।